हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान ट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गूगल एडसेंस का पिन क्या होता है और इसे इस पिन के जरिए हम अपने गूगल एडसेंस को कैसे वेरीफाई करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप हमारे हाथ में देख सकते हैं, ये गूगल एडसेंस का पिन है जो कल सुबह में हमें मिला था। यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं गूगल एडसेंस लिखा हुआ है, पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गूगल एडसेंस लिखा हुआ है और नीचे मेरा एड्रेस लिखा हुआ है। चलिए इसे फटाफट से खोल देते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल एडसेंस पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। स्टेप्स भी दिए हुए हैं, आप इसे फॉलो करके अपने गूगल एडसेंस में पिन को डाल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा पिन दिया हुआ है 6 डिजिट का। तो चलिए इस पिन को हम अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में डालते हैं और देखते हैं कि कैसे वेरीफाई होता है। ब्राउजर में आ गए हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम अपने एडसेंस में लॉगिन कर लेते हैं। ये देखिए, ये एडसेंस का होम पेज खुल गया। यहाँ पे ऊपर आप एक पट्टी देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है योर पेमेंट आर करेंटली ऑन होल्ड बिकॉज यू हैव नॉट वेरीफाई योर एड्रेस। मतलब कि आपको एड्रेस वेरीफाई करना है उस पिन के जरिए। तो चलिए यहाँ पे हम एक्शन पे क्लिक कर देते हैं और ये देखिए एक नया पेज खुल गया और यहाँ पे ये एड्रेस मेरा दिया हुआ है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें हमें वो पिन डालना है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक मैसेज दिया हुआ है कि अगर आपने यहाँ पे 3 बार गलत पिन डाल दिया तो आपका अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए और आप इसे फिर दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे आप गलत पिन ना डालें। अगर आपके पास पिन नहीं आता है तो आप यहाँ पे पिन ना डालें। मान के चलिए कि अगर आपके पास 1 महीने में पिन नहीं आता है या नहीं आया तो नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा 1 महीने बाद कि आप पिन को दोबारा सेंड करिए। तो गूगल एडसेंस जैसे आप रिसेंट पिन पे क्लिक कर देंगे आपके पास फिर से पिन गूगल एडसेंस भेज देगा। और मान के चलिए कि फिर आपके पास वो पिन नहीं आया तो आप फिर से वहाँ पे 1 महीने बाद रिसेंट कर सकते हैं। ऐसे आप 3 बार कर सकते हैं। अगर 3 बार करने के बाद 3रा बार भी अगर आपके पास पिन नहीं आता है तो फिर आपके पास गूगल एडसेंस पिन नहीं भेजेगा। वो फिर आपको एक ऑप्शन दे देगा नीचे कि आप कोई आईडी अपलोड कीजिए जिसमें एड्रेस दिया रहे। वो गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए, गवर्नमेंट द्वारा इशू होना चाहिए वो। उसके बाद आप वहाँ पे जब अपलोड कर देंगे तब आपके पास 24 आवर के अंदर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे अपना पिन डाल देते हैं और सबमिट पिन पे क्लिक कर देते हैं। और ये देखिए, ये फिर से हमें होम पेज पे ला दिया है। चलिए पेज को रिफ्रेश करते हैं और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर से वो पट्टी जो थी वो गायब हो गई है, हट गई है और अब हमारा अकाउंट जो है वेरीफाई हो गया है। तो अब आपने सीख लिया है कि एडसेंस पिन के जरिए अपने अकाउंट को कैसे वेरीफाई करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन या जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो मोबाइल से देख रहे हैं तो इस बेल के आइकन पे क्लिक करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।